Hello students, myself Deepak Vyar from Vyare Classes, Standard 9, Geography, Lesson number 9, Trade, we will start. So let's start lesson number 9, all textual question answers are covered in this video. Lesson name is Trade. Question number 1, classify the trade taking place between the following regions. आपको क्लासिफाई करना है, दो टाइप्स के ट्रेड है, उसको डिवाइड करना है, कौन से टाइप का ट्रेड से वो बताना है आपको. महाराष्ट्र एंड पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब में जो ट्रेड होता है वो ट्रेड का नाम क्या है? आंसर है इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड नाम है उसका. इंडिया एंड जापान, इंडिया और जापान में जो ट्रेड होता है उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाएगा. जो है क्लासीफाई करना आपको इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है कि दूसरे कंट्री के साथ किया जाता है, और इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया के स्टेट्स के बीच में होता है, दैट इज इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट लासलगांव एंड पुणे, लासलगांव और पुणे जो है ये क्या है, ये भी इंटरनल ट्रेड है. नेक्स्ट है चाइना एंड कैनेडा. चाइना और कैनेडा क्या है देखिए, ये भी एक्सटर्नल ट्रेड है क्योंकि दो कंट्रीज के नेम्स है. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, ये जो है ये भी एक्सटर्नल ट्रेड है क्योंकि दो कंट्रीज के नेम है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट वर्ड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट फॉर द फॉलोइंग. इम्पोर्ट है कि एक्सपोर्ट है ये आपको लिखना है. इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि दूसरे कंट्री से खुद के कंट्री को जो माल हम लेते हैं, गुड्स लेते हैं, उसको हम इम्पोर्ट कहेंगे, और अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को जो सप्लाई करते हैं दैट इज एक्सपोर्ट. इंडिया बाइज क्रूड ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट एशियन कंट्री. इंडिया जो है क्रूड ऑयल बाय करता है एशियन कंट्रीज से, तो ये इम्पोर्ट है क्योंकि हम दूसरे कंट्री से गुड्स ले रहे हैं. सेकंड है व्हीट इज सेंड टू एशियन कंट्री फ्रॉम कैनेडा. व्हीट सेंड किया जाता है एशियन कंट्रीज फ्रॉम कैनेडा, ये जो है एक्सपोर्ट है क्योंकि कैनेडा से व्हीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है. सेंटेंस ठीक से पढ़िए. जापान सेंड्स मशीन पार्ट्स टू एपेक कंट्री. जापान ने सेंड किया है इसीलिए इसको एक्सपोर्ट कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट एंड रीराइट द रॉन्ग स्टेटमेंट. करेक्ट करना है आपको इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री. स्टेटमेंट जो है करेक्ट करके लिखना है, इंडिया इज नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री. जो डार्क में दिया गया है वो सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस है और उसको राइट किया है नॉट सेल्फ सफिशिएंट कंट्री. द प्लेस वेयर देयर इज अ एक्सेस प्रोडक्शन डज नॉट हैव डिमांड फॉर दोस प्रोडक्ट. प्लेस देयर इज अ एक्सेस प्रोडक्शन, जहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन होता है वहाँ पे डिमांड फॉर दोस प्रोडक्ट्स नहीं होती है. द प्लेस वेयर देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन डज सप्लाई गुड्स टू अदर प्लेसेस. तो दूसरे जगह जहाँ पर एक्सेस है वो क्या करते हैं, जो एक्सेस है वो दूसरे जगह वो भेजते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेसेस आर इजियर देन लोकल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस आर इजियर देन द लोकल ट्रेड. इंटरनेशनल जो बिजनेस है, ट्रेड जो है वो इजियर है, ईजी है लोकल ट्रेड से. तो स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेसेस आर रिलेटिवली डिफिकल्ट देन लोकल. ईजियर की जगह डिफिकल्ट है क्योंकि लोकल ट्रेड से, कि लोकल ट्रेड में क्या है हम यहाँ पे जानते हैं कहाँ पर गुड्स भेजना है, कौन सा रास्ता है क्या, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में पता नहीं हमको कि वो किस तरीके से जाता है. नेक्स्ट है सार्क वर्क्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग सोशल कल्चरल हारमोनी ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. सार्क जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है, सोशल कल्चरल हारमोनी के लिए काम करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में. तो सार्क वर्क टुवर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग सोशल कल्चरल हारमोनी ऑफ द साउथ एशियन कंट्री. ईस्ट एशियन कंट्री की जगह हमने लिखा साउथ एशियन कंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रेड. इजी लेसन से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर कीजिए. आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रेड. टाइप ऑफ ट्रेड कौन सा है, सृष्टि ब्रॉट शुगर टू द ग्रोसरी शॉप. सृष्टि शुगर लाती है, ये जो है रिटेल ट्रेड है. द ट्रेड फ्रॉम सूरत बॉट कॉटन फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र. जो ट्रेडर्स है सूरत के वो महाराष्ट्र के फार्मर से कॉटन लेते हैं, तो ये डोमेस्टिक ट्रेड हो गया, डोमेस्टिक ट्रेड. नेक्स्ट है समर हैज एक्सपोर्टेड पोमग्रेनेट्स फ्रॉम हिज फार्म टू ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया को भेजा उसने पोमग्रेनेट्स. आपको पता है कि ग्रेप्स पोमग्रेनेट्स ये जो है दूसरे कंट्री में इसको डिमांड है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया. इंटरनेशनल मतलब बिटवीन द टू नेशन, डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री. नेक्स्ट है सद्भाव. सद्भाव बॉट
10 सैक्स ऑफ वीट, 10 वीट के सैक्स लिए उसने 5 सैक्स राइस फ्रॉम मार्केट यार्ड फॉर सेलिंग हिज ओन शॉप, खुद के शॉप में सेल करने के लिए। तो ये हो गया होलसेल ट्रेड। यहाँ पे जो है रिटेल ट्रेड है, देखिए यहाँ पे जो है आपको रिटेल ट्रेड जो है, यहाँ पे एल चाहिए था, स्पेलिंग्स थोड़ा रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट है राइट इन शॉर्ट क्रिएट अ फ्लो चार्ट शोइंग द टाइप्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के टाइप्स कौन से कौन से। देखिए लेसन का नाम ही अपना टाइप्स ऑफ ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी कितनी है, कम ज़्यादा क्वांटिटी जो है उस पर गुड्स के ऊपर। ये देखिए पहला है होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड मतलब बहुत ज़्यादा जिससे क्वांटिटी खरीदते, और दूसरा है रिटेल ट्रेड, ये जो है ये रिटेल ट्रेड है। तो ये रिटेल ट्रेड क्या है कि जिससे हम अभी हमारा शॉप कीपर है, जिससे हम टूथपेस्ट टूथब्रश खरीदते हैं, दैट इज रिटेल ट्रेड। लेकिन वो जिससे खरीदता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक या दो चीज़ नहीं खरीदता, एक टूथब्रश या दो टूथब्रश नहीं खरीदता, वो क्या करता है 100 टूथपेस्ट टूथब्रश खरीदता है, तो वो होलसेल ट्रेड हो गया। होलसेल के लिए जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिए जाते हैं जैसे होलसेल ट्रेडेड, और कम क्वांटिटी में लेने वाले जैसे कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो रिटेल ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ ट्रेड रीजन, रीजन मतलब एरिया के ऊपर बेस्ड है। तो एरिया के ऊपर दो है, डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड बोलेंगे, या इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड है। डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री इंटरनल ट्रेड, और इंटरनेशनल एक्सटर्नल ट्रेड है। एक्सटर्नल ट्रेड के फिर से दो टाइप है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स लेना, और अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को भेजने के लिए एक्सपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ बैलेंस ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड के क्या क्या है। पहला है अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड किसको कहेंगे, देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट का वैल्यू मोर है। देखो इम्पोर्ट का वैल्यू मोर है, आप सीसॉ खेलते हो, जिसका वेट ज़्यादा है वो क्या होता है, वो नीचे होता है हमेशा। तो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट मोर है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कम है, देखिए तो अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, हमारी करेंसी, हम दूसरे कंट्री से गुड्स ले रहे हैं और हमारी करेंसी वो कंट्री को दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो ये क्या हो गया अनफेवरेबल ट्रेड। सेकंड है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट मतलब हमारे कंट्री का गुड्स भेज रहे हैं, हमको फॉरेन करेंसी मिल रही है, फॉरेन का रुपीज आ रहा है हमारी तरफ, तो इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ट्रेड, इसी को फेवरेबल बैलेंस ट्रेड कहा जाएगा, क्योंकि ये बेनिफिट है कंट्री के। तीसरा है बैलेंस बैलेंस ट्रेड, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सेम, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों सेम है, देखिए तो ये बैलेंस बैलेंस ट्रेड हो गया है। ठीक है, तीन टाइप के ट्रेड देखे हमने, फेवरेबल ट्रेड, अनफेवरेबल ट्रेड और बैलेंस बैलेंस ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव मतलब एम्स आपको लिखने हैं। देखिए टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में नेगोशिएशंस मतलब डिस्कशन प्रोवाइड करना है। टू हैंडल द डिफिकल्टी रिलेटेड टू ट्रेड, जो ट्रेड में डिफिकल्टी ऑब्स्टेकल आएंगे उसको हैंडल करना। टू मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसी ऑफ मेंबर स्टेट, मॉनिटर मतलब कंट्रोल, कंट्रोल करने का ट्रेड पॉलिसी मेंबर स्टेट्स की। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग कंट्री, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करना ट्रेनिंग ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपेक एंड अपेक इन द टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, ओपेक और अपेक का डिफरेंस क्या है, उनके फंक्शंस वर्किंग के डिफरेंस क्या है। देखिए ओपेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, लेकिन अपेक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री ऑफ एशिया और पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। इट कीप्स कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के ऊपर कंट्रोल करता है ये ओपेक। इट प्रमोट्स फाइव ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्री, ये जो है फाइव ट्रेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मेंबर कंट्रीज के करता है। What is the importance of marketing from farmer's point of view? Farmer के point of view से marketing का क्या importance है? देखिए in the tradition marketing, farmers used to sell their products in the local market at whatever prices available. International traditional market में क्या होता है, farmer क्या करता है, उसका goods बेच देता है जो भी कीमत available होगी। Since the fruits and vegetables are perishable goods, फ्रूट्स और वेजिटेबल पेरिशेबल है, खराब होने वाली चीज़ है, द फार्मर यूज टू इनकर लॉसेस, तो वो लॉस बुक कर लेता है, लॉस जो है वो सहन कर लेता है।
इसीलिए हाउएवर द प्रोग्रेसिव फार्मर हैव एक्वायर्ड स्किल्स इन मार्केटिंग, लेकिन जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनको स्किल्स मिली है, दे अवेयर द ट्रेंड्स इन द मार्केट, मार्केट में क्या बेचा जाता है खरीदा जाता है वो, दे प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फूड ग्रेन्स ये किए जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, नाउ दे अंडरटेक ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ग्रेडिंग और पैकेज करते हो, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल नाउ, प्रोडक्ट आप कैसे प्रेजेंट करते हो ये आज इनसेपरेबल पार्ट है, क्योंकि आज आपको पता है कि कोई भी चीज़ पैकिंग कैसी है उसके ऊपर सब डिपेंड है, दे एडवर्टाइज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी की एडवर्टाइज करते हैं, एंड कीप द सेम फॉर द सेल अलॉन्ग विद द सैम्पल इन द मॉल, मॉल में सैम्पल रखते हैं और वो सेल के लिए भी रखा जाता है, दे कॉन्टैक्ट द सुपर मार्केट्स एंड एक्सपोर्टर्स थ्रू इंटरनेट, कॉन्टैक्ट करते हैं सुपर मार्केट में, एक्सपोर्टर्स को भी कॉन्टैक्ट करते हैं इंटरनेट थ्रू, और एज अ रिजल्ट देयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट हायर प्राइसेस इन द मॉल, उनके प्रोडक्ट जो है हायर प्राइसेस में सेल होते हैं, दे ऑल्सो फेच गुड प्राइस फ्रॉम द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने की वजह से उनको अच्छी कीमत भी मिल पाती है, दस मार्केटिंग इज एन इंपॉर्टेंट कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो मार्केटिंग ये इंपॉर्टेंट कल्टिवेशन है क्रॉप्स की, बाय द फॉलोइंग मार्केटिंग टेक्निक द इनकम ऑफ फार्मर विल इंक्रीज एंड दे विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस तरीके उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया, फंक्शंस आपको लिखने हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एशिया के, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया, एशिया की इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स फंक्शन आर एज फॉलोज, उसका फंक्शंस क्या क्या है देखिए, टू एक्सपांड सोशल एंड कल्चरल हार्मनी, एक्सपांड मतलब ग्रो करना बढ़ाना, सोशल और कल्चरल हार्मनी बढ़ाना अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद में टू प्रमोट रीजनल पीस, शांति बनाए रखना, एंड टू प्रमोट टैक्स वेवर्स, टैक्स वेवर्स फॉर द ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट्स, तो मेंबर स्टेट्स जो है उनको टैक्स वेव करना, टैक्स जो है उनको कंसेशन देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।